कोरोना महामारी के बीच कुशीनगर में बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया है। मामला मैनपुर गांव के दीनापट्टी इलाके का है, जहां पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आने से पानी की सप्लाई रुक गई है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कई दिन पहले बिजली की लाइन जल गई थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों की ओर से की गई थी, लेकिन बिजली की समस्या का समाधान न होने से पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। समस्या ये जल निगम की टंकी 3 साल से ऊपर हो गया और आज 15 दिन से जल आपूर्ति बंद है। विभाग को भी सूचना दिया गया है, प्रधान को भी सूचित किया गया है, आप जल आपूर्ति बंद है। और शुरू में ही इसकी सफाई हुई थी, जब बनी थी साल भर के बाद, तब से सफाई भी नहीं हुई। आज तक इस टंकी की सफाई भी नहीं हुई है? नहीं, एक बार हुआ है। कितना दिन पहले सफाई हुआ है? वही साल भर पहले। कितना अच्छा। दिन सफाई होना चाहिए? कितने महीने में? दो बार होना चाहिए, महीने में दो बार होना चाहिए। लेकिन हुआ है 3 साल में एक बार हुआ है सफाई। अच्छा, कितने दिन से पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है? 12 दिन से। किस तारीख को बंद हुआ है? 20 तारीख, 20 अप्रैल को। समस्या ये है कि आज कम से कम 15-20 दिन हो गया जल निगम का जो पानी जा रहा था सप्लाई, वो बंद है जी। कम से कम हम लोग आज तीसरे दिन आए हैं इस टंकी पे। क्या समस्या है? तो ये लोग बता रहे हैं मोटर की समस्या है जी। जो यहाँ के जो ये इसको कारभार संभालते हैं, इनसे ऑपरेटर साहब से बोला गया था, ये बोले कि हम वहाँ पे मैसेज किए थे मैडम के पास, तो मैडम बोली 24 घंटा में ठीक हो जाएगा। उधर से मैसेज भी वो की थी, लेकिन आज लमसम 15 दिन से ऊपर हो गया है इनसे बात करके, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं देखने के लिए यहाँ पे। 15 दिन से, कितने दिन से खराब है टंकी? लमसम आज 25 दिन हो गया है। 25 दिन हो गया जी।